एक कहावत है देश में, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कभी न कभी तो बकरे को शहीद होना ही है। ऐसा ही कांग्रेस के नेताओं के साथ भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले नेता अब कब जेल चले जाएं उन्हें खुद भी नहीं पता है। वो जेल इस वजह से नहीं जाएंगे कि क्योंकि वो मोदी को गाली दे रहे हैं। जेल तो उन्हें अपने ही पुराने कर्मों की वजह से जाना पड़ सकता है जो उन्होंने राजनीति की आड़ में किए हैं। अब कांग्रेस के ऐसे नेता की जेल जाने की नौबत आ गई है जो सोते उठते उनका एक ही काम है कि स्वामी को खुश करना है तो मोदी को गाली देना है। लेकिन अब वो भी शायद जेल के सलाखों के पीछे ना पहुंच जाएं। आखिर कौन है वो नेता जिनकी हम बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो हुआ यूं कि संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपी बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की थी। ऐसे में पुलिस ने मौके में सुरजेवाला, गोस्वामी आदि को गिरफ्तार किया था। मामले में सोमवार को आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए कोर्ट से कोई अन्य तारीख लेने की अपील कर दी गई। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब देखना है कि रणदीप सुरजेवाला अपने बचाव में कोर्ट में क्या पक्ष रखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनके इस पक्ष को तो मानने से इनकार कर दिया कि वो सदन की कार्यवाही में व्यस्त हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि ये तो सिर्फ बतौलेबाजी है, पेश तो होना ही पड़ेगा। कांग्रेस के साथ बुरी स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता अपने आप को संविधान और कानून दोनों से ऊपर मानते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।